Hey everyone, welcome to Bailishetis. आप लोगों की नीट 2023 प्रिपरेशन खूब अच्छे से डिसिप्लिन वे में हो सके इसके लिए मैं आप सभी को मंथली टारगेट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। मैंने आप सभी को अक्टूबर मंथ से मंथली टारगेट्स प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए थे। जिन बच्चों ने अक्टूबर वाली वीडियो नहीं देखी थी उन्हें मैंने दिसंबर मंथ से फिर फ्रेश टारगेट्स प्रोवाइड कराने शुरू करे। जिनकी दिसंबर वाली वीडियो मिस हो गई थी उन्हें मैंने फिर जनवरी से फ्रेश टारगेट प्रोवाइड कराने शुरू करे। तो आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ कि जो भी बच्चे नीट 2023 की प्रिपरेशन करते हुए मेरे मंथली टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें मार्च में कौन से चैप्टर्स करने हैं। ठीक है जी, तो तीन कैटेगरीज में नीट 2023 एस्पिरेंट्स डिवाइड हो रखे हैं। पहला, जो कि मेरे मंथली टारगेट्स को अक्टूबर 2021 से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें मार्च मंथ में बायोलॉजी क्लास 11 से लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन ये चैप्टर्स करने हैं। फिजिक्स से वेव्स करेंगे, केमिस्ट्री से हाइड्रोकार्बन्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करेंगे। काफी स्कूल्स में अभी सीबीएसई टर्म 2 क्लास 11 भी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आप लोगों की सीबीएसई टर्म 2 क्लास 11 का जो भी सिलेबस है वो चैप्टर्स ही मैंने इंक्लूड करे हैं ताकि आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन भी हो जाए और साथ ही नीट की प्रिपरेशन भी हो जाए। जो चैप्टर्स आपके सीबीएसई टर्म 2 क्लास 11 में है और मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करे हैं वो इसलिए नहीं करे हैं क्योंकि वो मैंने आपको ऑलरेडी फरवरी और जनवरी टारगेट में दे दिए थे। ठीक है, तो आप लोगों का मार्च मंथ में पूरा फोकस रहेगा कि अगर आपका क्लास 11 टर्म 2 का एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोगों के टर्म 2 सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ से जो मेरे टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मार्च मंथ का ये टारगेट है। बच्चों, जो मेरे टारगेट्स को दिसंबर मंथ से फॉलो कर रहे हैं वो करेंगे बायोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, फिजिक्स में ऑसिलेशन एंड वेव्स ये लोग करेंगे। जो भी चैप्टर्स मैंने मेंशन नहीं करे हैं लेकिन टर्म 2 में आ रहे हैं वो चैप्टर्स भी जरूर करिएगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये पीडीएफ आपको अगले 12 घंटे के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एडिक्स पर मिल जाएगी। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो सारे बच्चे जो कि जनवरी 2022 से मेरे मंथली टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं। बायोलॉजी में आप लोग करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, फिजिक्स में आप लोग करेंगे ग्रेविटेशन, केमिस्ट्री में आप लोग करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो खूब अच्छे से टारगेट्स फॉलो करते हुए मार्च मंथ को प्रोडक्टिव बनाइएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने जो आप लोगों को मार्च मंथ में टारगेट दिया है ये चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो रखे हैं या फिर इनके अलावा और कोई चैप्टर है जो कि आपको पढ़ने हैं तो इस टारगेट लिस्ट को आप लोग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। बच्चों, मकसद बस ये है कि मार्च का महीना प्रोडक्टिव जाना चाहिए, नीट की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, खूब अच्छे से तैयारी करिए। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चन आप वहां से प्रैक्टिस करिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर हर 1.5 घंटे में एक एक क्वेश्चन अपलोड होता है ताकि आप लोगों की नीट बायोलॉजी की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, उन पोल्स में भी पार्टिसिपेट करिए ताकि आप यूट्यूब पर जब भी टाइम वेस्ट करने आए आपको रियलाइज हो रेणुका दी ने क्वेश्चन पोस्ट किया है, हमें नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छे से। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।